नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू खुंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल। खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको आपके दिमाग में जो काफ़ी सवाल रहते हैं, खासकर जिन बच्चों की आंखें कमज़ोर हैं, उनके सवालों का जवाब लेकर आया हूं आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। देखिए, इसमें पहला सवाल है, क्या कमज़ोर आँख वाले सेना में भर्ती हो सकते हैं? दूसरा है, क्या आर्मी भर्ती में चश्मा मान्य है? और जानिए क्या है नए मेडिकल स्टैंडर्ड्स। ये सभी जो चीज़ें मैं बताऊंगा, ये सभी ऑथेंटिकेटेड हैं, यानी एक अच्छे सोर्स से ली गई हैं। जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, उस पर हाल ही में भारतीय सेना ने नए मेडिकल स्टैंडर्ड जारी किए हैं। उन मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आपको ये जानकारी प्रदान करूंगा। जानकारी देने का तात्पर्य सिर्फ ये है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हमारे पास फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन करके पूछते हैं कि सर, आँख मेरी कमज़ोर है, 6x9 है या 6x12 है या 6x6 है या कोई दूसरी समस्या उसको है, तो क्या वो भारतीय सेना में भर्ती हो सकता है? बने रही हमारे साथ। तो ये वो लेटर है जो joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे भारतीय सेना ने पोस्ट किया है। आप इसमें देख सकते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड एंड प्रोसीड्योर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर JCOOR एंट्रीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। यानी ये जो नए मेडिकल स्टैंडर्ड हैं, ये 1 अप्रैल 2020 के बाद जो भी भर्तियाँ अभी कंडक्ट की जाएंगी, उन सब में ये मान्य होगा। तो इसमें बाकी डिटेल में ना जाकर मैं आपको इसके पेज नंबर 7 पे लेके चलता हूँ, जहाँ पर ये सीधा सीधा दे रखा है आई के बारे में। तो ये पेज नंबर 7 है इस लेटर का। सबसे पहले इसमें ये है कि कलर विजन आपका होना चाहिए CP2, ठीक है। फिर उसके बाद आता है चश्मा की बात, सोल्जर GD, सोल्जर गनर या ड्राइवर या उसके रिलेटेड, यानी GD सोल्जर सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो उसमें जो आपका विजन है वो 6x6 होना आवश्यक है, ठीक है, विदाउट चश्मा। और 6x6 में कोई उसमें आपको रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में दे रखा है, एस्टिगमेटिज्म में भी दे रखा है, और एक साफ साफ लिखा हुआ है लेसिक परमिटेड नहीं है। यानी जो बच्चे बोलते हैं कि लेसिक करवा के या आँख का ऑपरेशन करा के अगर हम जाएं, तो वो फौज में अलाउ नहीं है। आपका GD में विजन 6x6 होना ज़रूरी है और इसमें चश्मा अलाउ नहीं है, यानी आप चश्मा नहीं लगा सकते GD में। फिर बात करते हैं अन्य ट्रेड, यानी सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क, SKT, नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी एजुकेशन कोर जिसमें एजुकेशन हवलदार का रिक्रूटमेंट किया जाता है, DSC, ये एक सर्विसमैन के लिए है, ट्रेडमैन 8वीं और 10वीं पास दोनों ट्रेडमैन, रिलीजियस टीचर जो धर्म गुरु फौज में भर्ती होते हैं, या आर्मी पोस्टल सर्विस या उसके इक्विवेलेंट किसी भर्ती में अगर कोई कैंडिडेट अपीयर होता है तो अब उसकी आँख 6x36 होनी ज़रूरी है। मतलब 6x36 होगी या वो चल सकता है, लेकिन करेक्टेड 6x6 होना चाहिए, यानी आपकी चश्मा लगा के आपकी जो विजन है वो 6x6 होना आवश्यक है। तो जो बच्चे क्लर्क में, टेक्निकल में, नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती होना चाहते हैं या ट्रेडमैन में, वो चश्मा उन सभी ट्रेड्स में अलाउ है, ये इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये आपका डाउट मैंने इसमें क्लियर कर दिया। इसमें भी साफ लिखा हुआ है लेसिक क्लर्क या किसी भी ट्रेड में अलाउ नहीं है, और कलर विजन का जो है CP2 लेवल होना आपका आवश्यक है। तो दोस्तों, ये मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में है आँखों से संबंधित। अन्य किसी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपने रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। एकेडमी की ब्रांचेस 4 जगह पर हैं, दिल्ली जहाँ पर मेन ब्रांच है, मेरठ, हल्द्वानी और हमीरपुर। हल्द्वानी उत्तराखंड में है, हमीरपुर है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप अन्य जानकारी के लिए हमारे खुंगा अकेडमी के पेज और हमारी वेबसाइट है खुंगा अकेडमी की, उसको विजिट कर सकते हैं।
थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।